शेयर बाजार की बात करेंगे। भारी गिरावट आज दर्ज की गई है, लगभग 2800 अंक नीचे इस वक्त सेंसेक्स है। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है, दोनों लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, करीब 2653 अंक सेंसेक्स नीचे है, निफ्टी 820 अंक नीचे गिरा है। बाजार टूटने से निवेशकों के लगभग 10 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं। ये बड़ा नुकसान आज शेयर बाजार में निवेशकों का, भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट, इसके लिए अमेरिकी बाजार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर, और सुबह से ही ये गिरावट का दौर जारी है। साक्षी बत्रा जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। साक्षी, कहा जा रहा है कि कई अमेरिकन फैक्टर्स जिम्मेदार हैं आज भारतीय शेयर बाजार में इस तरह की गिरावट के लिए, क्या हैं वो फैक्टर्स, जरा बताइए विस्तार से। साक्षी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? एंकर कौन है? आई कैन हियर। साक्षी, कौन सी वजह है जो आज भारतीय शेयर बाजार इतनी गिरावट के साथ देखा जा रहा है? सेंसेक्स निफ्टी दोनों में गिरावट है। सही कहा, आज ग्लोबल बाजारों में भी हाहाकार है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो कोहराम मचा हुआ है। 2500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट सेंसेक्स में नजर आ रही है, वहीं 700 पॉइंट आज निफ्टी गिर चुका है। वहीं अगर आप दो दिन पहले का लेवल देखेंगे तो आप चौंकाने वाले लेवल्स देख रहे होते, क्योंकि सेंसेक्स निफ्टी दोनों में ही रिकॉर्ड हाई और माइलस्टोन लेवल सेलिब्रेट किए जा रहे थे। वहीं दो दिन के बाद का इस तरीके का हाल ज्यादातर ग्लोबल सेल ऑफ की वजह से हुआ है। पहला ये कारण है कि यूएस मार्केट्स में एक रिसेशन का फियर, मंदी का फियर वापस आ चुका है, क्योंकि यूएस के अगर आप पेरोल डेटा को देखेंगे, जो उनका अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है, ये 3 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, जिसकी वजह से एक बार फिर से मंदी के आसार नजर आ रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस इकोनॉमी, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में 10% तक का फॉल हम ऑलरेडी अपने हाई लेवल से देख चुके हैं। एक बेयर मार्केट की टेरिटरी में ये मार्केट इंडिकेट कर चुका है यूएस मार्केट्स का। वहीं जापान में भी आज हाहाकार मचा हुआ है, 7% से ज्यादा की गिरावट निकाई में देखने को मिल रही है, और यह भी खासतौर पर बैंक ऑफ जापान के रेट हाइक करने की वजह से आ रहा है। और ये दो मुख्य कारण है जिसकी वजह से बाजार में आज डोमेस्टिक मार्केट्स में भी आप इस तरीके का हाल देख रहे हैं। आगे जाते हुए कितना और सेल ऑफ आएगा यह देखना बाकी है, या फिर बाजार ने अब तक जिस तरीके से रेजिलिएंट स्टोरी दिखाई है इंडियन मार्केट्स ने, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स ने भारत की इकोनॉमी पर और ग्रोथ स्टोरी पर जो भरोसा दिखाया है, अगर वो वापस आता हुआ दिखा तो एक बार फिर से रिकवरी के आसार नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये भारी गिरावट शेयर बाजार में दर्ज की गई।